She call me looter, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda. I got my gun on, yeah, she... इवनिंग वेलकम बैक टू माय चैनल विश यूज़ लाइफ मी मुंबई कर. तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. और अभी शाम के 4:15 बजे मैं आई हूँ आप सबसे मिलने के लिए, अपना इंट्रो देने के लिए, आपका वेलकम करने के लिए. क्योंकि अभी जो है कोई आ रहा है, वो कौन आ रहा है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी आने के बाद. अभी मैं बताऊंगी नहीं कौन आ रहा है. तो जो लोग पुराने उनको पता होगा, लास्ट जो फर्स्ट चैनल है मेरा, उस वीडियो में मैंने दिखाया था उसको. तो अभी देखते हैं, अभी वो आएगा, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. और अभी मैं उसके लिए कुछ बना रही हूँ, तो मतलब खाना बना रही हूँ और मीठे में कुछ बनाऊंगी. तो चलिए चलते सीधा किचन में. तो ये देखिए गाइस, खीर बन चुकी है. यहाँ पर सब्जी भी बना दी है मैंने, ठीक है. ये है सब्जी, आलू बैंगन शिमला मिर्च की. और ये खीर जो है वो सेवई की, जो शीरखुरमा जी से बोलते हैं वो. इसमें है दाल और ओवन में है राइस. एक सेकेंड मैं निकाल के दिखा देती हूँ. और ये ओवन से मैंने राइस भी निकाल दिया. सो बस रोटी जो है वो गर्मा गर्म बनाऊंगी जब आएगा तो, ठीक है. अब ये कौन है बे? आई डोंट नो. अरे जाना था. असं काय नाही, घाबरवतोय का? मी सांगे घाबरवतोय का? एवढा आवाज घाबरवतोय का? दिसतंय ना. फ्रेंड पकडून फ्रेंड पकड बस. जा. हाय हॅलो तरी कर मामाला. वा क्या ऍक्टिंग कर रहा है. अबे कसे दिसतो बघ, किती गोरा दिसतो मी. तो असं कसं रे, एवढं गोरा नाही दिसत, तुम्ही जास्त स्मार्ट दिसतो. त्याला कोण गोरा दिसते दोघांमधून? गोरा कोण दिसते पहिलं बघ. खाली बघू आपण काय करतो. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. मैं तो बहुत दिन सालों हो गए खीर खाई नहीं. खीर खाने के लिए मैं इतना लंबा सोचो. अच्छा. लेकिन एक सेकंड. तो उससे मेरा क्या फायदा? Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I could. Hey guys, so bhai. हाँ, अभी मैं पहले सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरा मुंह बोला भाई आया था. तो यहाँ पर आने के बाद मतलब काफी टाइम से, मतलब कब मिले थे हम लोग रे? हाँ, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी तब मिले थे. लेकिन वो मिलना मिलना नहीं होता, वो तो आप सबको पता है. और यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट टाइम वो मेरे घर पे आया है, आया था. वो चला गया अभी. तो वो उसके साथ मतलब मैं ज्यादा ऐसे, आप तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे. और फिर वो बेचारा घाई घाई में भी था. तो उसके लिए मैंने खाना बनाया पर वो खाना खाया नहीं. तो वो सिर्फ और सिर्फ वो, उसको मैंने खीर दिया. मैंने कहा अभी पहली बार आया तो एटलीस्ट तू खीर खा के जा. तो थोड़ा सा उसने खीर खाया, आधा बोल. और फिर उसके बाद बस मिलना मिलाना हो गया और फिर चला गया. और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या लेकर आया और कितना लेकर आया है, ठीक है. बैक कैमरा करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको. सो ये देखिए
ढेर सारे एप्पल लेकर आया है। मतलब ये अब ये एप्पल कब तक और कितने दिन चलेंगे मुझे कुछ पता नहीं है। और साथ में है कस्टर्ड एप्पल जो कि मुझे पसंद है, पर मैंने काफी सालों तक खाया नहीं था क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ निकला था तो मैं बहुत मतलब तब से डरती हूँ खाने के लिए। पर ये कस्टर्ड एप्पल और इतने सारे एप्पल फिर वो भाई लेकर आया है। और जीतू जो है वो उसके साथ ज्यादा बात नहीं कर रहा था। जीतू क्या बोल रहा था मामा? बात नहीं कर रहा था मैं। हाँ? बात नहीं कर रहा था। क्यों बात नहीं कर रहा था जीतू? डर रहा था ना? नहीं, नहीं डर रहा था। क्या मामा ने घेर लिया फ्रूट? मामा ने घे नहीं लिया, मामा ने दिया है लाकर। फिर मैंने अपने भांजा भांजी से बात की वीडियो कॉल पे। मैंने बोला उसको, उसको एक्चुअली ना मतलब उसका नाम स्वराज है, तो फिर उसको जब वो पहली बार एक बार मेरे घर पे आया था तो मैंने उसको ना अपनी मक्केंस वाली आलू टिक्की खिलाई थी, तो उसको वो इतनी पसंद आ गई तो वो हमेशा वो नाम उसने रखा है कि मेरे को आतू के पास जाना है। आतू कौन सी? तो वो जो टिक्की खिलाती है ना आलू टिक्की, तो वो वाली आतू, आलू टिक्की वाली आतू, ऐसे वो मुझे बोलता है। तो फिर उससे मैंने बात की, और जो मेरी भांजी है गनी का उससे भी मैंने वीडियो कॉल पे बात की। और इनेश था नहीं, इनेश अपना कहाँ पे था? नीचे था, है ना। बस तो काफी अच्छा लगा, इतने टाइम बाद कोई आता है तो काफी खुशी होती है ना। और वो वैसे भी ज्यादा बात मतलब ऑन कैमरा किसी को पसंद है नहीं है तो बोल नहीं सकते। बस ये देखिए गाइस, मैं एप्पल खा रहा हूँ, देखो ऐसा रखो। हाँ सो ये देखिए गाइस कितना भूखा बच्चा है मेरा कि एप्पल मतलब जैसे ही दिखाया वैसे ही खाना शुरू हो गया और उसके छिलके थूकने शुरू हो गए। ये देखिए मैं दिखा दिया आपको, ये देखिए। तो एप्पल खाना यानी कुछ भी वो खाता है ना तो सिर्फ जूस जो उसका होता है वो ले लेता है और बाकी सब थूक देता है। तो उसका भी फिलहाल हर जगह पे वही चलेगा काम, हर जगह पे थूकेगा वो। चलिए गाइस मिलते हूँ थोड़ी देर में, बाय। हेलो, यहाँ पर जो है जीतू अपने भाई के साथ में क्या कर रहा था बताए? एक्सरसाइज उसने उसको सिखाया तो उसकी कॉलर पकड़ रहा, उसकी कॉलर पकड़ रहा है, ठीक है। और अभी वो जो है आपको एक्सरसाइज करके दिखाएगा, क्या कहते हैं उसको, पुशअप, क्लैप पुशअप्स और पता नहीं क्या क्या, तो उसकी पुशअप जो है वो आप लोग एंजॉय करना कैसे कर रहे हैं वो क्लैप पुशअप। मतलब जब मैं ये शूट कर रही थी तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी और फिर वो आवाज़ मतलब हंसी की आवाज़ में आपको मतलब वो सुनाई नहीं देता, इस वजह से मुझे जो है वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो वो काफ़ी मतलब मस्ती चल रही थी और फिर वो जो भाई आया था मेरा तो उसके साथ में काफ़ी कुछ मस्ती वस्ती हुई, तो इतनी मतलब बातें चल रही थी बापरे नॉन स्टॉप। और वो जीतू का कैसे है ना कि कोई नया इंसान अगर वो देखता है ना तो वो थोड़ा सा ऐसे सहम जाता है। वो सर जीतू का ही क्या, मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऐसे ही होते होंगे कि मतलब अगर आप चार पांच लोगों के बीच ही हो और अचानक से कोई आ जाए। इनफैक्ट वो मेरे सगे भाइयों के साथ में भी इतना क्लोज नहीं है, वो देखता है और छोटे वाले भाई से तो काफ़ी ज़्यादा डरता है वो। और यहाँ पे जो है ना इशित को नेल इन्फेक्शन हो गया था एक बार, उसका पूरा नेल का मतलब ऑपरेट हो गया था, उसका पूरा नेल जो है वो डॉक्टर ने निकाल दिया था। तो अभी फिर से उसको पेन होने लगा है, तो उसको मैं बोल रही थी क्लीन करके, तो उसने क्या किया देखा आपने? उसने जो है वो जो बबल्स आए हुए थे उसके ऊपर, तो वो उसने, मैंने उसको बोला क्लीन कर कॉटन से, उसने तो डायरेक्ट फेंका, वो सीधा जाके दीवार से उड़ गया था। तो उसको फिर मैंने तभी काफ़ी कुछ सुना दिया था। तो ये देखिए अभी जैसे ये डालेगा तो वैसे झांग आ जाएगा। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए मैंने उसको बोला था कि मेरी भी नाखून पर डाल के देखा, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं पर देखिए जहाँ पे अगर कोई चीज़ ख़राब होती है वहाँ पे ये झाग छोड़ देता है ना। तो फिर मैंने जानबूझकर मैंने अपने भी नाखून पर डलवा दिया था दिखाने के लिए कि मतलब मेरा तो नाखून क्लीन है। और आप नीकैप देख सकते हो, मेरी नीज जो है ना काफ़ी पेन हो रहा था, मेरे दोनों नीज में, तो मैंने नीकैप पहनी हुई थी। ये देखिए नहीं आया ना, वो सीधा नीचे से देखिए चला गया। एनीवेज चलिए मिलते जल्द, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूले। बाय।